हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है, जय माता रानी। तो फ्रेंड, आज ना हम निकल रहे थे, तो बस निकलने से पहले ही ना सारा साफ सफाई मैं कर लेती हूँ और ये वॉइस ना मैं दे रही हूँ प्लेटफॉर्म में बैठ के, तो बस इसलिए देखिए थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है फ्रेंड। तो बस फ्रेंड, निकलने से पहले थोड़ा घर का साफ़ सफाई भी कर लूँगी। और आज ना मैगी को भी हॉस्टल छोड़ रहे हैं, तो ख़राब तो लग रहा है, बट क्या करेंगे। बट वो हॉस्टल में सेफ्टी से भी रहेगा और वहाँ बहुत सारा डॉग भी है ना, तो उसका मन भी लगे रहेगा और वहाँ ना अच्छे से खाना पीना भी मिलता है ना, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स भी लगेगा फ्रेंड, इसलिए हमने मैगी को वहाँ पर छोड़ दिया है। ये बालकनी भी सारा साफ़ कर दीजिएगा। आज भी मौसम काफ़ी अच्छा किया है, धूप वाला मौसम किया है। और इधर मेरा वॉशिंग मशीन में कपड़ा आज भी धुल रही है। तन्वी अभी तक सोई हुई है। तन्वी उठ जाओ, तन्वी उठ जाओ, उठो, उठ जाओ। तो फ्रेंड, मैं ना नहा वहा के आ गई हूँ और सारा घर का काम मेरा खत्म हो गया है आज। और आज ना मैं सिंपल खाना बनाई हूँ। क्या क्या बनाई हूँ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। आज मैं, आज है संडे और संडे को मैं क्या बनाई हूँ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और देखिए मेरा ना यहाँ पे क्या निकल गया है, दाल और चिकन, बहुत सिंपल। तो फ्रेंड, अभी ना रात का बज रहा है 2 और 2 बजे मैं ब्लॉक कर रही हूँ सूट। और मैं ना अभी क्या कर रही हूँ पता है, देखिए ये सारा रेडी कर रही हूँ और ये मैं पैकिंग कर रही हूँ, सारा कपड़ा मैं पैकिंग कर रही हूँ, ये भी पैकिंग कर रही हूँ। ये तन्वी का पैक हो चुका है, ये हमारा ले जाने के लिए माँ बेटी का सारा पैकिंग हो रहा है। और ना बाथरूम में वॉशिंग मशीन में मैं कपड़ा डाली हूँ, थोड़ा सा कपड़ा, नींद नहीं आ रहा था तो कपड़ा डाली। अभी आप पूछोगे मैं ऐसा क्यों कर रही, क्योंकि ना फ्रेंड हम जा रहे हैं एक जगह, समर वेकेशन में हम एक जगह जा रहे हैं, जो कि ना फ्रेंड मैं आपको नहीं बताऊंगी। वो जगह पूरा पहुंच जाऊंगी फाइनली, तब मैं आपको पूरा बताऊंगी। तो आप मेरे ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा और प्लीज़ जो न्यू है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंडिया के अंदर ही है बट मैं एक बहुत ही सुंदर जगह घूमने जा रही हूँ और मैं मेरे साथ आप लोग को भी पूरा वो जगह दिखाऊंगी। सच में आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा वो जगह। मेरे साथ पूरा वो जगह घूमिएगा, देखिएगा, बहुत ही सुंदर जगह है, ठीक है। तो फ्रेंड, मैं पूरा आप लोग को, तन्वी भी सोई नहीं है, पिक्चर देख रही है अपने पापा के साथ। और 2 बज रहा है फ्रेंड, मैं किचन पूरा वॉश कर दी हूँ। कल एक्चुअली हम लोग को निकलना है, कल रात को हमारा ट्रेन है। तो कैसे जाएंगे हम, कहाँ कहाँ रुकेंगे, मैं तो आपको पूरा डिटेल बताऊंगी। बट वो स्टेशन पूरा फाइनली हम जहाँ जा रहे हैं ना, वो स्टेशन पहुँच जाने के बाद ही ना वो स्टेशन में आपको दिखाऊंगी, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। तो सारा मेरा पैकिंग चल रहा है और मैं काम भी कर ले रही, ताकि थोड़ा सुबह आराम से लेट में भी उठूँगी ना तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और मैगी को ना हम हॉस्टल में छोड़ देंगे। 10 दिन का टूर में जा रहे हैं, तो बस हम तो अभी जम्मू कश्मीर में ही हैं, तो सोच लीजिए कश्मीर से हम कहाँ जा रहे हैं। वह तो बस हमारा टूर है पूरा कश्मीर, माने जम्मू से हम लोग थोड़ा ऊपर में हैं, उधमपुर में है, तो उधमपुर से हमारा टूर है कहाँ पे, पूरा मैं आप लोग को बताऊंगी। तो कल जैसा जैसा हम लोग निकलेंगे, हमारा पैकिंग हो रहा है तो सब पैकिंग वैकिंग करूँगी। तो अभी रात को सारा मेरा थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है,
तो काम हम फिनिश कर दूंगी, फिर मैं पैकिंग वैकिंग कर रही हूँ फ्रेंड। और कपड़ा भी आधा कपड़ा धुल के ना फैन के नीचे रूम में ही सुखा दी हूँ, और आधा कपड़ा फिर वॉशिंग मशीन में दी हूँ। जितना सूखेगा सूखेगा, पर कल धूप में फिर डाल दूँगी, क्योंकि ना हमारे पास पूरा दिन भर का टाइम नहीं है, पूरा धूप में डालने का मेरे पास समय नहीं है इसीलिए। नहीं तो क्या, रात को निकलना रहता तो क्या मैं सुबह भी धुल के कपड़ा को धूप में सुखा देती, बट पूरा दिन भर मेरे पास नहीं है, हम लोग निकल जाएंगे, इसलिए मैं अभी ही कपड़ा धुल ले रही हूँ, थोड़ा फैन में सुखा दे रही हूँ, फिर थोड़ा सुबह में धूप में सुखा दूँगी तो मेरा कपड़ा इजीली सूख जाएगा। तो फ्रेंड ये ना दूसरे दिन का सुबह का वीडियो है, और मैगी को ना हम ना हॉस्टल भेज रहे हैं। कैसे लग रहे हैं मैगी? मम्मा आपको रोना नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? तो मैगी अभी जाएगा हॉस्टल चौड़ू करके। तो गाइस हम लोग लेके जा रहे हैं मैगी को, हम लोग अभी कार में, मैगी अपना खोपड़ा दिखा, तो पीछे का अपन क्या वो नहीं दिखाया, ये देखो आप नजारा देखो। मैगी को अच्छे से घर में खाना वाना खिला के उसको हम हॉस्टल भेज रहे हैं सिर्फ 10 डेज के लिए, उसके बाद हम मैगी को लेके आ जाएंगे। मैगी अभी जा रहा है। अभी जाएगा मैगी उधर, हॉस्टल आ गया है मैगी का। लोग तो मैगी को छोड़ देंगे। तार मैगी मैगी देखो कितने सारे डॉगी, एक ये चुहावा, उधर बीगल है, उधर लैब्राडोर है, आपको दिख नहीं रहा होगा। वहाँ बीगल है और वहाँ लैब्राडोर है, ये चुहावा है। पैकिंग सारा हो चुका है, और इधर ना घर उर भी सारा साफ वाफ मैंने कर दिया है, क्योंकि कहीं जाने से पहले ना फ्रेंड घर उर को साफ करके जाना चाहिए। ये मेरे हस्बैंड पहनेंगे, और थोड़ा सा चिप्स उप्स हमने ले लिया है, और ये डस्टबिन रखी हूँ क्योंकि इसमें जो कचरा है ना उसको हम बाहर डालेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। और साफ उफ हो गया है, हाँ तन्वी ने साफ किया है, और इधर भी सारा साफ उफ हो गया है घर और। और इधर भी ना फ्रेंड ये जो टेट ये ना मैं कपड़ा वपड़ा धो के रखी थी ना, तो उस कपड़ा को पूरा फोल्ड उल्ड करके उसको ढक दी हूँ, आके फिर अलमारी में उसको सेट करके रखूँगी। और ये सब टॉय वॉय है जो बेड के ऊपर था उसको भी मैं ढक दी हूँ, और तन्वी जो पढ़ाई उढ़ाई कर रही थी अभी उसका होमवर्क कर रही थी तो ऐसे छोड़ दी, इसको रख के जाएगी। और ये रूम भी मैं सारा साफ वाफ कर दी हूँ, और दो चार अभी थोड़ा सा कपड़ा मेरा बेल्कोनी में सूख रहा है, धूप अच्छा है सूख रहा है, तो उसको भी मैं आराम से निकालूँगी, दो चार ही है। बस यही है, सारा काम मेरा हो चुका है कम्प्लीट। हाँ घर भी साफ वाफ हो गया है फ्रेंड, और खाना वाने भी बन गया है, किचन भी मेरा कंप्लीट हो गया है, सारा साफ वाफ हो चुका है। अब खाना वाना खा के दो चार बर्तन है धो के हम निकल जाएंगे।
पेट्रोल भी भरा लिया हमने यहाँ पे पेट्रोल पंप पे। फाइनली फ्रेंड हम ना निकल गए हैं और बस और हम जा रहे हैं जहाँ पे पर बाय माने बैड लक हमारा कि एक ट्रेन ना हमारा कैंसल हो गया जो कि जम्मू से दिल्ली तक का था। कैंसल नहीं हुआ, कंफर्म नहीं हुआ। हाँ कंफर्म नहीं हुआ वो टिकट हमारा और बस तो बहुत ही ज़्यादा हमें अपसेट लग रहा है जो कि राजधानी में था। जम्मू से हम दिल्ली जा रहे थे, उसके बाद दिल्ली से ना हम जहाँ जा रहे थे तो वो तो मैं बताऊंगी आपको, बट वही बस अभी हम पूरा बाय रोड ना जम्मू जा रहे हैं कार से और फिर हम जम्मू से जो हमारा राजधानी का जो ट्रेन था ना फ्रेंड वो कंफर्म नहीं हुआ। टिकट कंफर्म ना होने के कारण पूरा हमारा पूरा बेकार गया। कितना अच्छा हमने सोचा था, सेकंड एसी में हमारा राजधानी का था तो मैंने खाना पीना कुछ भी पैकिंग नहीं किया क्योंकि राजधानी में तो पूरा खाना वाना मिल जाता है, तो मैं पूरा आराम से हम खाना वाना भी पैकिंग नहीं किया आ गए और हम जैसे पूरा घर से निकल ही गए थे और मोबाइल में मैसेज आ गया कि आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ। अब क्या करेंगे जब निकल ही गए हैं, तो फिर हमने तय किया क्योंकि हमारा जो दिल्ली से जो ट्रेन है ना फिर वो भी कहीं ना फिर वो हो बोल के ना फिर हमने क्या किया कि फिर हमने तय किया कि चलो हम जैसे भी करके दिल्ली पहुंचेंगे। अब ऐसे गर्मी में तो फट से हमें तो ट्रेन मिलेगा नहीं, तो फिर हम तय किए कि जैसे भी करके हमें दिल्ली पहुंचना है। तो बस अभी देखिए हम कैसे दिल्ली जाते हैं जम्मू से दिल्ली। तो हमने तो डिसाइड किया था कि हम कार में दिल्ली जाएंगे बट बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा सफ़र और अभी देखिए ना शाम को निकल रहे हैं तो फिर रात को कहीं रुकना पड़ेगा फिर, तो फिर हम नहीं जाएंगे बोले बाय रोड और ट्रेन से ही जाएंगे। तो दो तीन ट्रेन चेंज करते करते जाएंगे, तो ये भी एक एक्सपीरियंस है फ्रेंड। हर एक्सपीरियंस का अनुभव लेना चाहिए, माने हर एक्सपीरियंस होना चाहिए आदमी को, है ना। तो बस यही है, तो देखिए हम लोग कैसे जाते हैं ट्रेन चेंज करते करते आप लोग के साथ सारा शेयर करूँगी। तो अभी हम बाय रोड जम्मू निकल रहे हैं और कहाँ हम लोग का लास्ट हमारा जर्नी कहाँ है और मैं कौन सा आप लोग को घुमाऊँगी। और आप लोग प्रे करिए कि दिल्ली से जो हमारा ट्रेन है ना वो हमारा कंफर्म हो जाए। बस मैं तो भगवान को वही बोलती हूँ कि वो हमारा कंफर्म हो जाए भगवान, और मैं फाइनल जो हमारा जो मेरा जो ड्रीम प्लेस है वहाँ मैं जाऊँ अच्छे से घूमूँ और आप लोग को भी वो जगह में घुमाऊँ फाइनली वो जगह में। तो बस भगवान करे वो ट्रेन मेरा कंफर्म हो जाए भगवान, नहीं तो पूरा मेरा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड चलते हैं और देखिए मैं आपको रास्ता भी दिखाती हूँ। आज यहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश आया है,